नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए मिठाई की वीडियो लेके आई हूँ। देखें कितनी खूबसूरत ये मिठाई बनके तैयार हुई है, जिसे आप घर के सामान से बना सकते हैं और 8 से 10 दिन तक आराम से खा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है और इसमें देसी घी डाल देंगे। तो हम यहाँ पर 2 चम्मच देसी घी डाल रहे हैं। देसी घी आप थोड़ा सा कम या ज़्यादा अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। और देसी घी हल्का सा हमारा गरम हो जाएगा तब हम इसमें बेसन डालेंगे। तो हमने यहाँ पे 1/2 कप बेसन लिया है और इसे डाल देते हैं और बेसन को हमें छान कर लेना है और डाल देते हैं बेसन को। अब हम इस तरह से इसे चलाते हुए भून लेंगे। आंच को हम मीडियम ही रखेंगे। मीडियम आंच में बेसन हमारा जल्दी से भून कर तैयार हो जाएगा। और बेसन को इसी तरह चलाते हुए भूनेंगे जब तक कि इससे अच्छी सी खुशबू ना आने लगे और बेसन हमारा भून ना जाए। और थोड़ी देर में ही बेसन का कलर चेंज होने लगेगा तो बेसन हमारा भूनकर तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से हम बेसन को चलाते रहेंगे और देखें कितना बढ़िया बेसन भूनकर तैयार हो गया है। इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है और दानेदार हो गया है। बहुत ही बढ़िया ये मिठाई बनेगी बेसन से। और इसमें हम डाल देंगे पिसी हुई चीनी 1/2 कप। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से आप थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। इस समय हमें आंच को बिल्कुल धीमा ही रखना है। और दोनों चीज़ें अच्छे से मिल गई हैं। अब हमने यहाँ पे दूध लिया है 1/4 कप और इसे डाल दिया है। आप चाहें तो दूध को थोड़ा थोड़ा कर कर भी डाल सकते हैं, पर मैंने 1/4 कप दूध डाल दिया है। और इसे अब हम इस तरह से चलाते हुए पका लेंगे। बहुत ज़्यादा दूध हमें ऐड नहीं करना है इसमें। और इस तरह से अब हम इसे चलाएंगे ताकि इसमें जो गुल्ठे हैं वो मेल्ट हो जाएँ और अच्छे से ये चिकनी मिठाई बनकर तैयार हो। तो इस तरह से हम इसे दबा दबा कर अच्छे से चला लेते हैं ताकि ये चिकनी हो जाए। बहुत ही बढ़िया ये मिठाई बनकर तैयार होगी और बहुत ही कम समय लगेगा। इसमें हम इलायची का पाउडर डालेंगे अच्छे टेस्ट के लिए। अगर आप इलायची का पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो इसे सिंपल भी बना सकते हैं बिना इलायची के पाउडर के। और देखें ये डो अच्छे से चिकना हो गया है। इसने हमने चला चला कर इस तरह से थिक कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑरेंज फ्रूट कलर डालेंगे। अगर आप घर के लिए मिठाई बना रहे हैं तो आपको ऑरेंज कलर की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे सिंपल ही बनाएं। बेसन का अपना एक कलर रहता है तो भी मिठाई आपकी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। और हमने इसे अच्छे से मिला लिया है। इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे तो ये और भी बढ़िया अच्छे से चिकनी एक डो की तरह हो जाएगी और पैन को भी छोड़ देगी। तो इस तरह से हम इसमें देसी घी डालकर इस तरह से चला लेंगे। और देखें ये डो की तरह सिमट रहा है। इतना ही हम इसे पकाएंगे। बस हमें गैस को बंद कर देना है और इसे निकाल लेना है। बंद गैस में ही हम कोकोनट को भी डालकर मिला देंगे और इसे इस तरह से चला लेंगे। कोकोनट पूरी तरह से ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है। इसे बंद गैस में इस तरह से डालकर मिला लीजिए। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसकी मिठाई बनाना शुरू करेंगे। तो हमने इसे एक बाउल में निकाल लिया है और जैसे लड्डू बनाते हैं पहले हम इस मिठाई को गोल गोल बना लेंगे। अगर हाथों पे चिपके तो आप हाथों पर तेल या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सारी मिठाई हम इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे पहले। तो इस तरह से हम गोल गोल बना लेंगे। ये ठंडी होने पर अच्छे से गोल गोल बनकर तैयार होगी। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस मिठाई को बनाने में।
आप चाहें तो इसे पेड़ा का सेब भी दे सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे कुछ अलग ही से सेब दे दिया है। और इस तरह से हमने इसे गोल गोल तैयार कर लिया है, तो चाकू की सहायता से हम इसमें कट लगा देंगे जिससे इसमें डिजाइन बन जाएगी। और इस तरह से हम चारों तरफ से इसमें कट बनाएंगे। और देखिए इसमें हमने कट लगा के बनाकर तैयार कर ली। उंगली से इस तरह से प्रेस कर देंगे तो और भी खूबसूरत ये दिखने लगेगी। और थोड़ा सा हम इसके ऊपर कोकोनट रख देते हैं, आप चाहे तो कोई भी ड्राई फ्रूट इसके ऊपर रख सकते हैं। और इसी तरह से हम दूसरी को भी तैयार कर लेंगे, चाकू की सहायता से इसमें कट लगा देंगे। इसी तरह से अच्छे से हमें कट लगा देने हैं। इस मिठाई को आप बनाकर स्टोर कर लीजिए, और जब भी आपका मीठा खाने का मन हो तो इस मिठाई को आप खा सकते हैं। रेसिपी पसंद आ जाए तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा, और हम मिलेंगे इसी तरह की नई नई वीडियो के साथ।